हेलो गाइस, मेरा नाम है मखदूमी। मेरी तरफ से आप सभी को भूतिया वाली चुमीज, बिकॉज आजकल हम भूतियापंती में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि मैंने हीरोपंती देख ली तो भूतियापंती तो होनी ही थी। और मैं पागलपंती वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, क्या करूँ यार, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं। एनीवेज गाइस, तो ये आज हम खेल रहे हैं episode number 2 ऑफ फियर्स टू फैदम गेम। इसका episode 1 होम अलोन वाला जो था, वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इधर कहीं पे स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा उसका लिंक, वो भी जाके देख सकते हो। इवन दो ये वाला एपिसोड उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। लास्ट एपिसोड एक अलग स्टोरी थी, ये एक अलग स्टोरी है। तो आज शुरू करते हैं। ओके, तो हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी मैं खुद ही चला रहा हूँ। गाड़ी इतनी वाहियात, भद्दी, बदसूरत, बे इंतहा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। एडन विलियम्स का मैसेज आया है। एडन विलियम कहता है, दैट्स इट, आई एम रीरूटिंग हियर, यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। और पापा का मैसेज है, ड्राइव सेफ होली। ओ, हम लड़की हैं इस बार। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। और मस्त सा म्यूजिक बज रहा है जिसपे आई होप कॉपीराइट ना हो। और अंधेरी सड़कों पे हम बस गाड़ी चला रहे हैं। और एक्सीडेंट हो गया और एपिसोड खत्म। ये मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। नहीं, नहीं, मेरी गलती है। वो सामने से गधा वो रॉन्ग साइड पे चलाते हुए आ रहा है, उसने गाड़ी ठोकी मेरे गाड़ी में और गेम खत्म हो गया फिर से। चलो थैंक गॉड, बहुत ज्यादा दूर जाके नहीं गेम फिर से रीस्टार्ट हो रही है और अब हम फिर से गाड़ी चलाएंगे। ये वी। अच्छा, इस बार हम ढंग से खेलेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं करने वाले। एडन विलियम का मैसेज आया है जो कि मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I'm not interested, यार। हाँ, अच्छा हुआ मैंने म्यूजिक बंद कर दिया, वो भी कर सकता हूँ मैं। गाने तो सुन लेते हैं गाड़ी चलाते हुए। भाई तू साइड से निकल ले, हॉर्न ना दे मेरे को ज्यादा। पप्पा का मैसेज आया है, पप्पा क्या कह रहे हैं, वेयर डिड यू रीच। पप्पा मेरे को नहीं पता, ये बहुत ही अंधेरी सुनसान जगह है। ओ, रेड लाइट जल रही है, पेट्रोल खत्म। नियर हाफ वे थ्रू द ड्राइव आई रियलाइज आई वॉज लो ऑन गैस। ओ नो, तेल खत्म हो गया गाड़ी का। अब गाने सुनते हैं। ये क्या हो गया इसको, रेडियो भी खराब हो रहा है। पापा का फिर से मैसेज आया है, हमने बोला कि पापा अभी हम 6 घंटे दूर हैं सिटी से, जाम में स्टक हो गए थे। पापा कह रहे हैं तुम्हें बोला था फ्लाइट ले लो। ये क्या, गाड़ी चलनी बंद हो गई है? नहीं नहीं, चल रही है चल रही है। पापा का फिर मैसेज आ रहा है, पापा गाड़ी चलाने दो ना। ओ होली, इट्स गोना बी लेट व्हेन यू रीच बैक, होप यू आर फीलिंग ऑल राइट। अरे हाँ पापा, आप ऐसे मैसेज करते रहोगे तो ऑल राइट नहीं रहूंगा मैं। ओह, वो किसी ने देखा वहां पे, एक आदमी था। ओह शिट, ओह खुदाई, ओह खुदाई। ओके, तो हम पेट्रोल वाले स्टेशन पे तो पहुंच ही गए हैं, तो मैं वहीं रोक लिया। अब इसको निकाल, निकालना। अरे गैस स्टेशन पे आया तो गैस तो ले। नॉरवुड गैस स्टेशन। भाई साहब नमस्ते, क्या हाल है? क्या चो, ठीक चो, सब बढ़िया। हाउ इज योर नाइट गोइंग, वेयर यू हेडेड? अरे घूर क्या रहा है बे, आंसर दे, चल भाग यहाँ से ना दे। हाय, कैन आई गेट $10 ऑन पंप 2? यस प्लीज। गैस मिल गई मुझे लगता है मेरे को। यू हेडिंग टू द ब्रिज बाय योरसेल्फ? द ब्रिज? हाँ क्यों, क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं जाते इस टाइम पे। क्यों भाई? बी केयरफुल। व्हाट डू यू मीन क्यों भाई? फॉर अबाउट अ सेंचुरी नाउ मेनी पीपल हैव बीन गोइंग मिसिंग देयर। 100 साल से लोग वहाँ पे गुम जा रहे हैं। एंड पीपल हु वेंट लुकिंग फॉर देम नेवर रिटर्न। जो उनको ढूंढने गए वो भी वापस नहीं आए। लोकल से द नॉरवुड वैली मॉन्स्टर हैड टॉर्न देम अप एंड हंग देम अपसाइड डाउन ऑन ट्रीज। उनको काट के उनको उल्टा लटका देता है पेड़ पे। कूल ऑप्शन है, कूल cool. हाँ भाई क्या हो गया, मतलब तूने बस एक मॉन्स्टर के बारे में तो बताया जो लोगों को काट के फाड़ के फेंक देता है। कूल, ओके ओके, वेल थैंक्स फॉर द गैस, कैन आई यूज द टॉयलेट? नहीं, टॉयलेट तो मेरे को जाने ही नहीं, सुसु नहीं आ रहा मेरे को। भाई साहब, यू हर्ड अबाउट द नॉरवुड वैली मॉन्स्टर? क्या आपने उस मॉन्स्टर के बारे में सुना है? हैं, भैंस हो क्या, हैं क्या कर रहे हो? द नॉरवुड वैली मॉन्स्टर, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? बिग मिस्टेक, चार मारो ना छित्तर, पता चल जाएगा। क्या मुझे कुछ लेके जाना चाहिए यहाँ से? दारू दारू दारू, जो ना नाचे उसको मारू। You need to pay for that, ma'am. नहीं चाहिए मेरे को। And one more thing. अब क्या है? If you see a woman in white or blue gown trying to get a ride, do not stop. Just step on gas as hard as you can. Okay, why? Who is she? कौन है बे वो? कौन है वो? कौन है वो? कहाँ से वो आया? Some people say that she died in a car accident there on prom night. Some say that she seeks vengeance after she was murdered there. वो तुम्हारे खून की प्यासी है. Whatever you do, never ever, कभी भी किसी को भी hitchhiking में help मत करना। Those people out there on the road putting their thumbs up, they ain't what you think, ma'am. वो नहीं है जो आपको लग रहा है, वो बस भूत है। चल चूटा।
यहाँ पे कोई गैस वैस है क्या? कोई गैस तो कुछ ली नहीं है मैंने, गैस लेके ही तो जाऊंगा ना मैं। क्या यहाँ पे गैस लिखा हुआ है? क्या मुझे ये चाहिए? Nope. ये भी नहीं चाहिए। रिपेयर योर कार, ये तो नहीं है गैस। आई डेंट, ये भी नहीं चाहिए। इसका सारा सामान तो मैंने उठा उठा के फेंक दिया। गैस कौन सी है? क्या ये गैस है? Nope. आई थिंक ले चुका हूँ मैं गैस फिर तो। मुझे तो यही भूत लग रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ओके मम्मी का मैसेज आ रहा है। मम्मी क्या बोल रही है? हॉली, हाँ जी मम्मी। आई डोंट नो इफ यू विल फाइंड एनी शॉप एट दिस आवर बट वी आर आउट ऑफ डॉग फूड। कुड यू गेट समथिंग फॉर माइलो, आई विल पे यू बैक। मम्मी रात के इस वक्त तुम्हें डॉग फूड की पड़ी है? अब मैं यहाँ पे फंस रखा हूँ किसी दुकान पे, तुम्हारे को डॉग फूड चाहिए। कौन सा है डॉग फूड? क्या ये डॉग फूड है? नहीं, ये भी नहीं है डॉग फूड। व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर? नथिंग, कुछ नहीं कर रहा, बस डॉग फूड ढूंढ रहा हूँ। मेरा डॉगी माइलो जो है वो भूखा है, तो मैं उसके लिए डॉग फूड ले रहा हूँ। क्या ये डॉग फूड है? नहीं, मुझे तो छुट्टा दिख रहा है, डॉग फूड नहीं दिख रहा। भैया डॉग फूड किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। बता देना ये है क्या डॉग फूड। अरे नहीं भाई, इस पे अच्छा लिखा हुआ है, ध्यान से देख रहा हूँ तुम्हें। ओ ये रहा, अच्छा डूडू मिल गया। सॉरी भाई सॉरी, ये भी डॉग फूड नहीं है। अरे ये है डॉग फूड यार, डॉग बना हुआ है इस पे। दैट विल बी $5। हाँ ठीक है ले ना, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ, पहले नहीं बता सकता था। गधा कहीं का, मैं सारा जहान ढूंढ लिया डॉग फूड के लिए, एंड में मिला डॉग फूड वहीं पे ही। ओके इसको डिक्की में फेंक देते हैं। अब तो तेल है ना गाड़ी में, अभी भी लाल दिखा रहा है। तेल अभी भी नहीं भरा है? रुक जाओ भाई, तेल तो मैं भर चुका था। अच्छा इस वाले से तेल भरेगा और मैंने गाड़ी यहाँ लगा रखी है। हद है भाई, ये सब भी इतनी ज्यादा डिटेलिंग पे कौन ध्यान देता है। गाड़ी को अब उसके बिल्कुल पंप के पास पार्क करूंगा तो जाके भरेगा तेल। दैट इज टू मच डिटेल्स मैन। तो गाड़ी चल भी नहीं रही है ये ढंग से। अबे चल जा। ओके एंड ओके, अब तो भर जाएगी ना। Few moments later. भर लिया भाई, तेल भर लिया। थैंक गॉड। चलो चले मितवा अब सड़क पे। नो वे। भूत क्या मारेगा मेरे को तो भाई, सड़क पे ट्रैफिक ने मार दिया यार, क्या मजाक है। नहीं फिर से नहीं खेलनी। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। चलो भाई फाइनली, इस बार नहीं एक्सीडेंट करा रहा मैं अपना, बिना बात के चुपचाप निकल रहा मैं सड़क पे। अरे ओके यही था ना, मुझे पता था तू ही भूत है। बिना बात के मेरा एक्सीडेंट कर दिया था। नीचे लिखा आया कि गाड़ी चलाते चलाते तुम्हें रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सामने ये गाड़ी वाला गया ना, इसके लिए लिखा हुआ था। ये क्या हुआ है? हेडलाइट बंद हो गई। ओके फिर से अपने आप ही ऑन हो रही है, फिर बंद हो रही है। मेरी हेडलाइट अजीब सा बिहेव कर रही है, बिल्कुल जैसा जब भूत आने वाले होते तब होती है। और सामने वाली गाड़ी भी स्लो स्लो ही चल रही है, और मेरी हेडलाइट फिर से अपने आप ऑफ हो गई है। सामने वाली गाड़ी ने एकदम से भगा लिया है, जो कि मैं भी करूंगा क्योंकि किसी भूत से कोई पंगा लेने की जरूरत है नहीं। अरे हेडलाइट तो जला दो, कुछ नजर नहीं आ रहा है भाई। हेलो भाई, भैया जी हेडलाइट जला दो, सड़क भी इतनी मुश्किल से दिख रही है। ओके कुछ लाइट सी हुई, और मैं अपनी रियर व्यू मिरर में तो बिल्कुल नहीं देख रहा क्योंकि मुझे कुछ दिखा था ऐसा। तो सामने जो थी मेरी गाड़ी वो कहाँ चली गई? देखो वो जो दुकानदार भैया थे उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर कोई सफेद कपड़ों में या फिर ब्लू ड्रेस में कोई लेडी तुम्हें रोके, वो हिचहाइकर होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन उसकी बिल्कुल हेल्प मत करना क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, ऐसा उसने बोला था। तो मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं रोकने वाला अगर ब्लू या व्हाइट में कोई दिखती है तो, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और मुझे लग तो नहीं रहा वैसे ब्लू या व्हाइट में कोई दिखने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली भूत सच में नहीं होते हैं। और वो ब्रिज आ चुका है जिस ब्रिज पे उसने बात करी थी, वो दिखने वाली है। मेरे को थोड़े थोड़े से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बस कोई भी नहीं आया। देखा मुझे पता था ब्रिज पे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि भूत होते ही नहीं है असली में, वो तो सिर्फ मूवीज में डराने के लिए बनाते हैं। ओके मेरी गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों साइड नॉर्मल है सब एकदम। और बस एक रैबिट ही तो है, वो रैबिट हूं कर रहा था भाई, उससे क्यों डरूंगा मैं। देयर इज दिस वेरी वियर्ड थिंग अबाउट दैट नाइट। अच्छा, I said two big logs in the middle of the road. Thought I could drive past the logs, but those wouldn't move. अब दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, या मैं नीचे उतर के कोशिश करूँ इनको मूव करने की। It almost seemed if someone had put them deliberately. हाँ, अरे वाह, बड़ी बलशाली लड़की है हमारी। चलो जी, had to move the logs to go ahead. अभी और कितना?
ओ शिट, गाड़ी में बैठने दे साले, मरवाएगा। ओ थैंक गॉड। अभी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। The car wouldn't start back up and just like that I was stranded in the middle of nowhere with no phone service. Bhai wah! But I would be lying if I say I didn't feel slightest of unease. I don't mean to make this sound weird. Throughout my life I was told not to take rides from strangers. But at that moment I had no choice. Oh shit. अब हमको स्ट्रेंजर से लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। 10:23 PM. Oh no. Bhai, I saw a car nearing. Pure evil. और नहीं तो क्या, छोड़ के भाग गया। I did not understand how somebody could leave another human being stranded like that. तू मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है दरिंदे, मेरी हेल्प करो कोई। 10:43, एक और गाड़ी आ रही है। प्लीज हेल्प। रुका। हेलो भैया। नमस्ते। अरे तो वही है दुकान में बंदा जो चिड़चिड़ा सा था। यू आर द गर्ल फ्रॉम द गैस स्टेशन। What are you trying to do out here? अब हम गाड़ी खराब हो गई है भाई। Where are you heading to? Just the nearest stop where I can call for help. Okay, come. Thank you so much भैया। भाई जल्दी से अपना सामान उठाओ यार। अंकल जी ने तो सामान लेकर आने में भी हेल्प करने से मना कर दिया है। अबे दो ही हाथ है, वो तो सभी के दो हाथ होते हैं। अब इतना सारा सामान एक करके फेंकू क्या? तेज भाग ना, जल्दी भाग। इस सड़क पे अकेले सुनसान में डर लगता है साहब। वो आखिरी सामान छोड़ दूं क्या? ऐसे ही चलेंगे? ओके, हो गया, मेरा सारा सामान आ चुका है। चलो भैया चले। यू नीड टू हरी, आई डोंट हैव ऑल डे। हाँ ठीक है, आई एम डन। चलो। तेरी शक्ल से तो वैसे गुंडा तू ही लग रहा है मेरे को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये मुझ अबला नारी को अब ऐसी बीच सड़क पे काट डालेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सो यू वोंट टेल मी हु यू आर, और तुम जा कहाँ रहे हो? हो कौन तुम? मैं तो बस घर जा रही थी और फिर मेरी कार खराब हो गई। माई नेम्स जेसन। अच्छा, इसका नाम जेसन है। इट्स नाइस टू मीट यू जेसन। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुमने मेरी मदद करी। तुम तो अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है। अब घर छोड़ दे मेरे को चुपचाप, डर लग रहा है तुझसे। तुम बहुत लकी हो कि मैं यहीं पे ही जा रहा था। और वो क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पे क्या होता है? और तुम्हारी गाड़ी के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है? अब वो मेरी गाड़ी काफी पुरानी है ना, तो वो खराब हो गई थी बस। हाँ मुझे तो यही लगता है, और क्या ही हुआ होगा भाई। तो तुम्हें क्या लगता है, वो जो गैस स्टेशन वाले भैया मॉन्स्टर के बारे में बोल रहे थे, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? बहुत फनी है, जो किया बातें करता है एकदम ही। जो वो बोला वो सच है क्या? व्हाट द मॉन्स्टर? लेट्स सी, आई हैव नेवर सीन द मॉन्स्टर फॉर मायसेल्फ, बट कुछ चीजें तो होती हैं, मैं उनसे नहीं डरता। सॉरी, मैं उनसे डरता हूँ। एंड आई एम अफ्रेड तुम्हारी गाड़ी भी हो सकता है इसीलिए खराब हुई हो। अच्छा सुनो, मैं गधा नहीं साउंड करना चाहता, बट रिमेम्बर अगर तुम उनसे छेड़खानी नहीं करोगे तो वो तुम्हारे साथ परेशानी नहीं करेंगे। अब तुम जरा मेरे को छोड़ दो, जहाँ पे भी तुम्हारे साथ जाने में हमरा फट रहा है। यू नो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करी पहले। बिल्कुल होना भी चाहिए तुझे सॉरी यार, क्या बेशरम आदमी है तू, इतनी ऐसा बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, होता है। तुमने सॉरी बोल दिया, यही ठीक है। इतना बुरा भी नहीं है ये बंदा, पहले मुझे काफी बुरा लग रहा था, अब इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ओके 12:08 हो चुके हैं। आफ्टर लिटिल बिट ऑफ स्मॉल टॉक ही ड्रॉप्ड मी बाय अ मोटेल। ओके अब मैं एक मोटेल में आ गई हूँ और उन्होंने हेल्प भी करी, और फिर मैंने सोचा कि मैं मोटेल में ही रात भी बिता लेती हूँ। तेरे पास कोई और रास्ता है? हेलो भैया। जय हिंद दोस्तों। ये बंदा ही बड़ा क्रीपी लग रहा है, ये तो दुकानदार जैसा ही लग रहा है। गैल नीड अ रूम टू शेक अप फॉर द नाइट। या कितने का है कमरा? $40 फॉर सिंगल। ठीक है, पैसे ले और बस कमरा दे दे, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा मेरी गाड़ी जो है वो ठीक करा दोगे? तो कह रहा है $90, टॉमी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है भाई, ले भाई $90 ले ले, आई लेट टॉमी नो। एंड वन लास्ट थिंग, ट्राई नॉट टू वेक द अदर गेस्ट। हाँ नहीं करूंगी ना, चुप रहे। चलो room number 9। ओके room number 1 तो 9 तो इस तरफ होगा शायद। मम्मी का मैसेज आया, होली कहाँ हो? अरे पापा पुराने चर्च के पीछे। नहीं तो पापा पिछली गली में। नहीं तो कहाँ यार? पापा पता नहीं। नहीं आजी आजी वाली room number 9। थैंक गॉड, अबे बेड पे वही नहीं है ऑब्वियसली, वहां पे नहीं सो सकता मैं,
क्योंकि ओह शिट, शकल नहीं दिख रही भाई शीशे में, भूत तो ये खुद है। ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे, मेरी पॉटी निकल गई। आई एम टॉमी, रूम सर्विस हेयर। साढ़े उल्लू, ये वो वाला टॉमी है जो वो अंकल कह रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी ठीक करके ले आएगा। अरे तो तू यहाँ पे काम करता है तो तू ऐसे लोगों के बाथरूम में थोड़ी ना खड़ा होगा, तू यहाँ पे कर क्या रहा है क्लीनिंग स्टफ। अबे तो गेस्ट के आने से पहले क्लीनिंग करते, आने के बाद थोड़ी ना। हे हंस के अरे मरूंगा। Had a word with Joe about the situation. What is wrong with these people? Mercy, mercy, mercy. And also, the room's phone is not working. Phone is not working? Abhi to wo trrrr karke baj raha tha. If you need anything, just ask at the front desk. We have been trying to get it fixed, but we haven't seen enough guests lately. Tumhara danda chalega bhi kaise jab tu logo ke bathroom mein aise khada hoga? Shakal dekho iski yaar, iski shakal se dar lag raha hai mere ko. But have a good night. Bhag, bhag ja. Main keh raha hu, bhag yahan se. Had to get my stuff. अबे अब एक एक करके सारा सामान लाऊंगा। ओके ओके फाइनली सारा सामान हो गया है। ओह फाइनली आई कैन स्लीप। सो ना आंखें बंद करके। What the hell? What the hell? कोई बाथरूम में है मेरे। ओए, ओए। वहाँ खड़ा था कोई बंदा। I couldn't help shake the feeling that someone wasn't right. Something wasn't right. मैं क्या रीड भी नहीं कर पा रहा। बोल भी नहीं पा रहा मैं। ओ नहीं 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 पिछली वाली गेम खेल के मेरे को एक चीज याद है, नेवर नेवर एवर ओपन द डोर। कुछ तो गलत है यहाँ पे इसको लग रहा है। डिडंट वांट टू स्लीप एनीमोर, ओनली कॉफी कुड हेल्प मी स्टे अप। अब कॉफी लेकर आऊ मैं बाहर, मैंने किसी को खड़े हुए देखा है अपने रूम के और अब मैं बाहर निकल के कॉफी ला रही हूँ। अकल ही नहीं है मेरे में। टिपिकल हॉरर मूवीज वाली बेवकूफ जो मरेगी मरेगी। टू लो ऑन कैश फॉर दैट। कॉफी 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 क्या बोल रहे कॉफी कॉफी हाँ ठीक है ठीक है वो ठीक है। कॉफी 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 आई डोंट सी कॉफी। लाइम ड्रिंक पोटैटो चिप नो कॉफी। कॉफी का रिप्लेसमेंट ले लेते हैं कुछ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओ ये री कॉफी, एस्प्रेसो या कैपेचिनो? आई विल टेक कैपेचिनो। कंज्यूमिंग दिस आइटम हेल्प्स यू स्टे अवेक। ओके इतनी एनर्जी सोडा वगैरह सब पीने के बाद अब कॉफी भी पी ली मैंने। नो What? ये क्या हुआ है? क्या कॉफी में कुछ मिला रखा था? Oh my God, ड्रग कर दिया मेरे को। No way. पापा का मैसेज आ रहा है। पापा रुक जाओ, मेरे को मेरे कमरे तक पहुंचने दो। ये रूम नंबर 9 है ना? पापा बस पहुंच गया, पहुंच गई। पापा कुछ नजर नहीं आ रहा। Holy shit. ये तो अलग टाइप की स्केरी हो गई भाई। एक लड़की को ड्रग्स देके ओ नो 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 नो, ये तो अलग लेवल पे चली गई भाई गेम। वो 3:18 हो गए। अच्छा मतलब मैं सो गया चैन से, थैंक गॉड। आई वाज सेडेटेड, मैंने बोला ना भाई कुछ नशीला पदार्थ को दे दिया। एक सेकंड फोन कैसे बज रहा है, फोन तो खराब था। ये कौन है मेरे कमरे में? मेरे को बेड से नहीं निकलना। सो जा फिर से सो जा। मम्मा डिडंट फील सेफ गोइंग आउट। हाँ तो मत जा, यहाँ बैठ जा। ओ शिट ये बंदा आ रहा है, क्या करूँ मैं? दरवाजा खोलू ना खोलू? नहीं आई डोंट थिंक मुझे दरवाजा खोलना चाहिए। वन थिंग मैंने जो लास्ट वाले एपिसोड से सीखी है, कभी दरवाजा मत खोलो। कौन है? जो फ्रॉम फ्रंट डेस्क, ओपन द डोर। गुड इवनिंग। Didn't I specifically tell you not to wake anyone up? अबे तो मैंने क्या किया? There are complaints. तुम ये क्या अजीब अजीब सी आवाजें कर रही हो? अबे एक सेकंड, कंप्लेंट किसने करा? तेरे यहाँ पे रुक कौन रहा है पहले तो इतनी डरावनी जगह पे? और मैंने कौन सी आवाजें कर दी? Whatever it is, just keep it down, miss. Is that why your eyes are all red? साल ते तुम्हारी कॉफी में दिक्कत है। Are you messing with me? We don't have any coffee machine here.
क्या माहिला? अबे अभी तो कॉफी लेके आया हूँ मैं. ओके ओके, हियर आई हैव हैड इनफ ऑफ यू क्रेजी गून्स हियर. फॉर वंस आई थॉट वी हैड अ सोबर गेस्ट, बट आई गेस आई एम द क्रेजी वन हियर. आई हेट माय जॉब. चुपचाप ना इधर आ, यहाँ सामने ही है तेरी कॉफी वाली मशीन. आई मीन तब तो थी जब मैंने ली थी. यही तो थी. Go back to the room. I swear to God, yahi thi. I said go back. There should be some medication in your room that should offer you some relief. Check the table by the TV. मैं कुछ नहीं ले रहा तुम्हारे यहाँ का. भाई दवाइयाँ तूने, पर अगर वो कॉफी मशीन इनकी थी नहीं तो इसकी गलती क्या है? मेरी बंदी तो चल भी नहीं पा रही है, अब स्प्रिंट में भी नहीं भाग रही. By the TV table, ये medication. किस चीज की medicine है? देख के तो ले. Requires water. Where is water? Now where the hell is water? Tap water पिएगी? Oh, पानी मिल गया. पर ये दवाई देख तो ले कौन सी है, ऐसी कोई भी दवाई खा लेगी? दवाई देख के खाइयो, मर मत जाइयो. गट 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 पी तो रही है. प्लीज फालतू की दवाई ना ले लियो. सो जा चुपचाप सो जा. मैं तो कह रहा हूँ सो जा. आंखें क्यों खोल रखी हैं तूने? सोती रह ना, मत देख इधर उधर, चुपचाप सोती रह. ये क्या है? कोई फोटो खींच. सो जा चुपचाप सो जा. वो खुश 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 करके. ओह माय गॉड. ओह हेलो. भाई हेलो हेलो क्या बोल रहा है? भाग जा. ओ माय गॉड. मैं न्यू. गेट लॉस्ट. आसान भाषा में भर जाइए. प्लीज ओपन द डोर. आई नीड हेल्प. क्या चाहिए तुझे? आई नीड योर हेल्प. प्लीज ओपन द डोर. भाग जाए ऐसे. आई नो यू आर इन देयर. बाथरूम पे चढ़ जा. दरवाजा तो मैं नहीं खोलने वाला, कुछ भी हो जाए. मुझे आवाज नहीं करनी बस. वो मेरा एक्चुअल रियल वाला जो माइक है वो इसमें डिटेक्ट हो रहा है, तो मेरे को अब सच में चुप होना पड़ेगा. मैं सच में नहीं बोल सकता. ये क्या बदतमीजी है? वो जब तक मैं चुप नहीं होऊंगा तब तक वो वहीं खड़ा रहेगा. मैं तो अपना माइक भी म्यूट कर लिया, पर ये क्या बदतमीजी है? I just need to talk to you. I swear I'm not a cop. Please go away or I'm going to call the cop. Pretty lady, come.
to this day, I find it really weird that the manager inferred not to get police involved, as it would have affected motel's reputation and let go of the situation. I believe that the town could have been home to a cult or a drug ring or possibly something even worse. Tommy arrived with the car after what felt like a year. I never went on long road trips again. I would always take airplanes. Holy shit. What an ending, bhai. Wo motel ka manager end mein aa gaya, bhai. Usko peed diya aur main bach gaya. I love this game, man. I hope इसके और episodes बनाए. अभी सिर्फ दो ही हैं, तीन शायद और आने हैं. Future में शायद कभी आएंगे तो जरूर खेलेंगे. Anyways, Fears to Fathom का ये था episode number 2. I hope you guys enjoyed. I loved this. If you did, make sure to like it. And I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए, thanks for watching.